हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गया हूँ आपके लिए अमेजिंग फोटो एडिटिंग वीडियो को लेकर। आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ एक कमाल का प्रीसेट। अगर आप भी अपने फोटो में इस प्रीसेट को यूज करेंगे तो आपकी फोटो में भी इसी तरह का कलर इफेक्ट देखने के लिए मिलने वाला। उससे पहले आप देख लीजिए फोटो पहले कैसी थी। तो फोटो थी पहले ऐसी, जैसे ही मैंने इसमें प्रीसेट ऐड किया ये बन गई ऐसी। तो आप देख सकते हैं फोटो में कितना कमाल का कलर इफेक्ट देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आपको भी इस प्रीसेट को अपने फोटो में यूज़ करना है तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आपको सारे स्टेप्स समझ आएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसी तरह के नए नए फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लाइटरूम में फोटो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद आपको नीचे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहां से हमारी फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमें अपना प्रीसेट लेना है। जो प्रीसेट आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना प्रीसेट को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी प्रीसेट चले जाएगा हमारे ऑल फोटो के अंदर। हमें जाना ऑल फोटो के अंदर और यहाँ से अपने प्रीसेट को क्लिक करना है। तो हमारा प्रीसेट हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके बाद इस प्रीसेट की हमें कॉपी सेटिंग करनी है। कॉपी सेटिंग करने के लिए हमें ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपी सेटिंग का। जैसे ही मैं कॉपी सेटिंग में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक नया पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ब्लैंक्स बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। दोनों ब्लैंक्स बॉक्स पर आपको टिक करना है और उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, उसका राइट साइड में आपको एक एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से क्रॉप के ऑप्शन को हटाना, बैक एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर ऊपर टिक के आइकन पे क्लिक करना है। तो हमारी प्रीसेट की कॉपी सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको बैक एरो पे क्लिक करना है, फिर आपको नीचे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, फिर से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ से अपनी फ़ोटो ले लेनी जिस फोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। तो मैं यहाँ से अपनी दो फोटो ले लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारी दोनों फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं फ़ोटो पे करता हूँ क्लिक। फ़ोटो में क्लिक करने के बाद इस फोटो में हमें प्रीसेट ऐड करना है। प्रीसेट ऐड करने के लिए हमें ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पेस्ट सेटिंग का। जैसे ही मैं पेस्ट सेटिंग में क्लिक करूँगा तो फ़ोटो में प्रीसेट ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो पहले कैसी थी और अब कैसी बन चुकी। उसके बाद मैं आपको इस सेकेंड फ़ोटो को और दिखा देता हूँ। इसमें भी हमें प्रीसेट ऐड करने के लिए ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा और नीचे हमें पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं पेस्ट सेटिंग में क्लिक करूँगा तो इस फोटो में प्रीसेट ऐड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो में प्रीसेट ऐड हो चुका है। पहले कैसी थी फ़ोटो, अब कैसी बन चुकी है। और इस फोटो को सेव करने के लिए आपको बस शेयर के बटन पे क्लिक करना है। नीचे सेव टू डिवाइस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये फोटो एडिटिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस प्रीसेट को कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको बता देता हूँ। प्रीसेट को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको एक डाउनलोड प्रीसेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप चलेंगे अपने गूगल ड्राइव के अंदर, वहाँ से इस प्रीसेट को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये फोटो एडिटिंग पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह के नए नए फोटो एडिटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और मैं मिलूंगा ऐसी नेक्स्ट फोटो एडिटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।